ये रही, ये है इसकी की, जहाँ से ये पावर विंडो अप डाउन होती है। जैसे अगर मैं ये डाउन करता हूँ तो ये काफ़ी स्पीड में चलती है। तो ये आफ्टर मार्केट है, इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो पड़ा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा अल्ट्रोज के ग्राउंड क्लियरेंस की। बहुत से लोगों के अंदर डाउट है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है क्या है। मैंने ये गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ लगभग 4-5 महीने तो हो गए हैं और मैंने इसे लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर चला भी चुका हूँ। कौन सा इसका वेरिएंट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा, आफ्टर मार्केट बैक क्या होता है, मतलब किस तरह का है। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें कराई हुई हैं, जैसे इसमें मैंने डिस्प्ले लगवाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और पावर विंडो कराई हुई हैं बैक के दोनों, और काफ़ी कुछ कराया हुआ है। तो वो भी बताऊँगा कि क्या किस तरह का ये फ़ायदेमंद चीज़ है या लॉस वाली। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ये डाउट अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो, बिल्कुल 100% कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस की कोई प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। अब अगर आप अगर बलेनो से कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत ही हाई फाई ऐसे एरिया में लेके गया हूँ जहाँ पर मतलब कोई भी व्यक्ति देख के कहेगा कि गाड़ी नहीं निकल सकती है, लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत ही आसानी से इसे निकाला है और कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत ही अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, देखें उस हिसाब से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं करती है। उसके बाद में बात करें बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती। जैसे मैंने लिया था एक्सी मतलब बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू अन्य वेरिएंट के। लेकिन उसके बाद मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी मैंने सारी इसमें आफ्टर मार्केट करा ली हैं, और अब तो इसमें कोई ये नहीं रह गया कि बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट का कोई खास अंतर नहीं रह गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूल और वैल्यू फॉर मनी चीज़ कहेंगे एक्सी वेरियंट को। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ जैसे यहाँ पर बात करें एसेसरीज की, तो मैंने सेंटर लॉकिंग लगवाई है वो है RD की, और वहीं पर बात करें पावर विंडो, तो पावर विंडो भी मैंने लगाई है RD की। ठीक है, समझ गए। तो ये है, कुछ खास है ही नहीं, एक मिनट का वीडियो बनाऊंगा उसी में आपको सब कुछ सिखा दूंगा। तो ये इस तरह का है, आप देख सकते हैं लुक काफ़ी अच्छी फिटिंग है यहाँ पे, कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे से फिट हुआ है। ठीक है, तो ये था। अब हम बात करें इस साइड में, तो यहाँ पे भी इस तरह से फिट हुआ है। आप पूरा गेट अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा आपकी गाड़ी में आफ्टर मार्केट का। देखो ये जो चीज़ है पावर विंडो, ये अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगती हो तभी इसे आफ्टर मार्केट कराएं, वरना अगर आप वैसे ही हैंडल से इसे सही से मतलब चला यूज कर सकते हैं तो हैंडल से यूज करें, कोई इतनी बड़ा ये तो इशू नहीं है ना। तो क्योंकि आफ्टर मार्केट बैक उतना अच्छा तो नहीं कर सकते हैं जितना कंपनी फिटेड होता है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करा लें। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, आप चाहें तो करा सकते हैं। तो ये था पावर विंडो का। पावर विंडो का बहुत दिन से आप लोग कर रहे थे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो इसके प्राइस भी मैं बता देता हूँ। इसके जो प्राइस आए थे हमारे 5500 रुपये पड़े थे विद फिटिंग कंप्लीट, और मैंने एक इंस्टॉलेशन का भी वीडियो डाला हुआ है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं ये काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है क्या किस तरह की गाड़ी, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि नहीं ये इसमें इस तरह का क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। मैं आपने देखा होगा जितनी भी कमेंट आती है मैं ज़्यादातर कमेंट पर रिप्लाई देता हूँ, और आपको भी रिप्लाई मिलेगा बेकायदा। आप एक काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और जो जैसे मैंने जो इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगवाई हुई है और जो पावर विंडो लगवाई है, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से कमेंट कर दें जो भी क्वेश्चन हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको जो इन्फॉर्मेशन हो मिल सके अच्छी सी कम समय में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको समझ में आया हो, बाय। रहेगा तो ये डिस्प्ले थी हमारी, इसमें मैंने 4 साउंड लगवाए हैं, 4 कौन कौन से हैं वो हैं हमारे हरमन के। तो ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिटिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है।